हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और कृष्ण जन्माष्टमी पे आज हम मात्र 10 मिनट में मखाना मेवा पाक बनाएंगे, जो मात्र 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। और इसे बनाना बहुत ईजी है, आप इसे व्रत में भी जन्माष्टमी के दिन आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए हम एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें 1 कप फुल मखाना या मखाना डालेंगे। मखाना डालकर पैन में हम इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे या रोस्ट कर लेंगे। हमें मखाना को तब तक भूनना है जब तक मखाने का कच्चापन ख़त्म हो जाए या मखाने में लाइट ब्राउन कलर आ जाए। हमें उस तब तक ही मखाने को भूनना। और ये देखिए, मखाने को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है और ये देखिए मखाने का कलर चेंज हो गया है। हम इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे या निकाल लेंगे और सेम पैन को हम फिर से गर्म होने के लिए रखेंगे। और इसमें 1 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया, हम इसमें 1/2 कप आलमंड डालेंगे या बड़े वाले बादाम डालेंगे और इसमें 1/2 कप काजू डालेंगे। बादाम और काजू डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरह चलाते हुए भून लेंगे या रोस्ट कर लेंगे घी में। आलमंड और काजू को मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए काजू में अच्छा सुनहरा कलर भी आ गया है। हमें इसे इतना ही भूनना है और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और काजू और आलमंड को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने मखाने के प्लेट में काजू और आलमंड को निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और सेम पैन में ही हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चीनी लिया है। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चीनी के जगह मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी हमारा पैन में अच्छे से मेल्ट हो, इसके लिए हम 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे, जिससे चीनी हमारा जलेगा नहीं और चाशनी हमारा परफेक्ट बनेगा। और अब हम चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। चाशनी को इस तरह चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और ये देखिए, मेवा हमारे ठंडे हो गए। और अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। ग्राइंडिंग जार में डालकर हम इसमें फ्लेवर के लिए 2 छोटी इलायची डालेंगे और ढक्कन लगाकर हम इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। और ये देखिए, चीनी हमारा मेल्ट हो गया है और चाशनी भी हमारे अच्छे से पक गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है। और अब हम इसे चेक कर लेंगे। चाशनी को हम चेक करने के लिए हाथों में पानी लगाएंगे और पानी लगाकर हम इसे इस तरह हाथों में ले करके चेक करेंगे। और ये देखिए, चाशनी में तार हमारा बन रहा है और चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। मेवा पाक को सेट करने के लिए हम एक प्लेट को घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। चाशनी में 1 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी डालेंगे। घी डालकर हम घी को चाशनी में अच्छे से मिला लेंगे। घी डालने से पाक हमारा बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा और घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप प्रसाद बनाते समय घी का यूज़ ज़रूर करें। और अब चाशनी में ग्राइंड किया हुआ दरदरा मेवा पाउडर डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे इस तरह चलाते हुए चाशनी में अच्छी तरह मिला लेंगे। और ये देखिए, यहाँ चाशनी में हमारा मेवा अच्छे से मिल गया है और चाशनी को भी सोख लिया है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए, अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे या निकाल लेंगे सेट करने के लिए। और ये देखिए, मेवा पाक को यहाँ मैंने ग्रीस किए हुए प्लेट में अच्छे से सेट कर लिया है। और अब हम इसे कट कर लेंगे, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाएगा। आप भी इसे नाइफ से अपने पसंदीदे आकार में अच्छे से कट कर ले। आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए, मावा पाक हमारा ठंडा हो गया है और ये अच्छे से सेट भी हो गया है।
और अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप भी इस तरह मावा पाक आप कृष्ण जन्माष्टमी पे इजीली और इंस्टेंट बना सकते हैं। और ये देखिए मावा पाक हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। और आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पे कृष्ण जी को आप अपने हाथों से बना प्रसाद का भोग लगा